गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से सिखा सकूँ। तो जब तक मुझे कुछ फीडबैक नहीं मिलेगा तो मुझे थोड़ा अच्छे पता नहीं चल पाएगा कि मेरा जो काम है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए, एक रिक्वेस्ट थी, इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि आज हम सीखने वाले हैं विल और शैल का प्रॉपर यूज, जो कि फ्यूचर टेंस में हम करते हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो हम उसको समझेंगे एक अडॉप्ट रूल से। हमने एक अडॉप्ट रूल बनाया है, उससे हम समझेंगे कि विल का यूज कहाँ करना है, शैल का यूज कहाँ करना है। नॉर्मली हम स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में हर जगह विल लगा सकते हैं। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मैंने, इन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश वी कैन यूज विल विद एवरी सब्जेक्ट, यानी कि ही शी इट दिस दैट आई वी यू दे, किसी के साथ भी आप विल का यूज कर सकते हैं, बट ओनली वाइल स्पीकिंग, दैट इज ट्रू इन मॉडर्न इंग्लिश। बट we are talking about written literature. If you see literature, you will find that we also use shall with I and we. ठीक है, I और we के साथ हम shall का use करते हैं normally, and with other subject we use will. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये opposite हो जाता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि I we के साथ हमें normally shall लगाना चाहिए लेकिन उसकी जगह will आ जाता है, और यू वी दे ही शीट के साथ हमें विल लगाना चाहिए उसके साथ शैल आ जाता है। तो ऐसा होता कब है? ऐसा होता है जब आपके सेंटेंस में ए डी ओ पी टी इन पांच रीजन में से कोई एक रीजन आपके सेंटेंस में आ जाता है। अब ये ए डी ओ पी टी मीन्स अडॉप्ट क्या है? अडॉप्ट है ए फॉर एडवाइस, डी फॉर डिटर्मिनेशन, ओ फॉर ऑर्डर, पी फॉर प्रॉमिस एंड टी फॉर थ्रेट। कहने का मतलब ये है कि जब आपके सेंटेंस में कोई किसी को सलाह देता है, जब आपके सेंटेंस में कोई पक्का इरादा कर लेता है कुछ काम करने का, जब आपके सेंटेंस में कोई किसी को ऑर्डर देता है या कोई वादा करता है कि मैं ऐसा करूंगा या किसी को धमकी देता है, इन पांचों में से कोई भी एक कारण अगर आपका फ्यूचर टेंस में आ जाता है, यानी कि सेंटेंस में गा गेगी भी आना चाहिए और प्लस इन पांचों में से एक रीजन भी होना चाहिए, तो हम अडॉप्ट रोल का यूज करते हैं। और जो हम नॉर्मली शैल के साथ आई वी का यूज करते थे और विल के साथ अदर सब्जेक्ट का, वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, विल के साथ आई वी लग जाता है और शैल के साथ बाकी सभी सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारे सेंटेंस में इन पांचों में से एक रीजन होता है। जैसे कि हमारा सेंटेंस है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ये काम कोई नॉर्मली प्यार से तो बोलेगा नहीं आपको कि मैं तुझे जान से मार दूंगा यार, है ना, प्यार से तो कोई बोलेगा नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको एक तरह की धमकी दे रहा है और हमारा फ्यूचर टेंस भी है। तो नॉर्मली हम आई वी के साथ शैल लगाते, तो हम यहाँ पे मैंने शैल को लगाकर क्रॉस लगाया है क्योंकि ये एक धमकी है और धमकी हमेशा गुस्से में दी जाती है। तो हम आई विल, हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं सेंटेंस को, आई विल किल यू, यानी कि हम गुस्से में हम सामने वाले करें आई विल डेफिनेटली किल यू। तो जब ऐसा होगा तो आई के साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा। ये नॉर्मल कंटेक्स्ट नहीं है, ये गुस्से वाला कंटेक्स्ट है, ये थ्रेट है, ये धमकी है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है कल तुम वहां जाओगे। मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूं कल तुम वहां जाओगे, ठीक है, मतलब कि आपको जाना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से ऑर्डर है उसके लिए, तो मैं यू विल ना कहकर स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं उससे, तो मैं बोलूंगा यू शैल गो देयर, ओके, यू शैल गो देयर टुमारो, नोबडी एल्स, आप जाओगे और कोई नहीं जाएगा, ये मैं चाहता हूं और मैं ऑर्डर दे रहा हूं आपको, तो आपको मेरा ऑर्डर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अडॉप्ट रूल का यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट लिखकर जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को अच्छे से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।